अपराधियों की 8,90,000 रुपए की संपत्ति की गई कुर्क। हमीरपुर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर एसडीएम खालिद अंजुम, सीओ आशीष कुमार यादव व जरिया थाना प्रभारी ब्रजमोहन के नेतृत्व में अपराधियों की संपत्ति की गई कुर्क। अपराध कर अर्जित की गई संपत्ति को किया गया कुर्क। गैंगस्टर एक्ट का अपराधी विसुन उर्फ विष्णु निवासी छिबोली के द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्ति छिबोली गाँव के राट जलालपुर मार्ग में निर्माणाधीन अर्धपक्का मकान जिसकी अनुमानित लागत 6,00,000 रुपए है। इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट सहित 17 मामले जरिया जलालपुर व राट थाना में दर्ज है। दूसरे अपराधी नरेंद्र विश्वकर्मा उर्फ नंद कुमार निवासी परछा द्वारा अपराध से अर्जित की हुई की संपत्ति एक बाइक जिसकी अनुमानित लागत 90,000 व एक निर्माणाधीन पक्का मकान जिसकी अनुमानित लागत 2,00,000 रुपए की संपत्ति हुई कुर्क। इसके विरुद्ध जरिया थाने में 7 मामले दर्ज है। जरिया थाना क्षेत्र के छिबोली व परछा गाँव का मामला। इस मौके पर पुलिस चौकी प्रभारी संगम लाल प्रजापति भारी पुलिस बल मौजूद रहा। हमीरपुर से हनारायण प्रजापति की रिपोर्ट। देखिए, जो गिरोहबंद कार्रवाइयाँ हैं, जो समाज विरोधी गतिविधियाँ हैं और इनसे जो कृत अपराध हैं, उनसे अर्जित संपत्तियाँ हैं, उनके विरुद्ध एक बहुत बड़ा अभियान शासन का चल रहा है। उसी के तहत यहाँ थाना जरिया के अंतर्गत छिबोली गांव में ये विष्णु नाम के एक अपराधी हैं जो वर्तमान में जेल में है और गैंगस्टर हैं उनके ऊपर, और उनकी संपत्ति को रखी गई है। इसी के अलावा एक परछा गाँव है और वहाँ भी नरेंद्र नाम के एक अपराधी हैं, उनकी भी संपत्ति को रखी गई है। और ऐसे सभी अपराधी जो कि अपराध से उन्होंने संपत्तियां अर्जित की हैं और भविष्य में भी उनकी संपत्तियां को रखी जाएंगी ताकि कोई भी व्यक्ति अपराध से बचे और कानून व्यवस्था बनी रहे। आज दिनांक 27 मार्च 2027 को गैंगस्टर अधिनियम के 14(1) की कार्यवाही के तहत, जिसमें ये अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है, मुकदमा संख्या 421/22, उसके तहत लगभग 8,00,000 रुपये का संपत्ति जब्त की जा रही है। किन किन गांव में सर? ये एक छिबोली गांव है, दूसरा परछा गांव है। अपराधियों का सर नाम क्या है? विष्णु, अपराधी का नाम एक विष्णु है, दूसरा नरेंद्र।